हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे मिस्टर एंड मिसेस गौतम्स ब्लॉग्स में। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं साउथ कैंपस के एक इम्पॉर्टेंट कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज। तो यहाँ से हम सबसे पहले अक्षरधाम से मेट्रो लेते हैं, इसलिए हमको आपको पिंक लाइन यानी मयूर विहार से मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, जो डायरेक्ट आपको दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन उतारेगी, जहाँ से आप इस वे में ऑटो लेकर मोतीलाल नेहरू कॉलेज पहुँच सकते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं मयूर विहार, यहाँ से आपको पिंक लाइन लेनी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा एक्सीलेटर से फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर चढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम एक्सीलेटर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे नॉर्मल स्टेयर्स भी आपको मिल जाएंगी। तो मॉर्निंग का टाइम है तो आपको थोड़ा रश मिलेगा मेट्रो के अंदर। इसके अलावा बस की सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, बट एक्चुअली मुझे उनका नंबर पता नहीं है, तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन सर्च करके कि कौन सा बस है जो आपको इस कॉलेज पर उतार सकती है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं मयूर विहार, जहाँ से आपको पिंक लाइन लेनी है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं, हमारी मेट्रो आने वाली है। तो हमारी मेट्रो आ चुकी है, हम इसमें एंट्री करते हैं। तो इसके बाद हम साउथ कैंपस के लिए आपको दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज के मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और प्लीज़ हमें कमेंट में भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है और कौन से कॉलेज की विजिट करनी है। तो हम पहुँच चुके हैं साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन, यहाँ से हमने एग्जिट कर लिया है। यहाँ से स्टेयर्स पर उतरने के बाद आपको गेट नंबर 1 से एग्जिट करना है, और यहाँ से आपको दुर्गाबाई देशमुख में सामने आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइन के लिए लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको चलने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड से एग्जिट करना है, जहाँ पर आपको एक साइड लिफ्ट एंड एक्सीलेटर दोनों ही तरह की सुविधा मिल जाएंगी जो आप ले सकते हो जिस ट्रे में। तो यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड साइड से एग्जिट करना है। तो ये सामने आपको लिफ्ट लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर एक्सीलेटर है, जहाँ से आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो एग्ज़िट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको अगर शेयरिंग में लेना है तो 20 रुपीज़, एंड अगर इंडिविजुअली लेना है तो आपको 50 से 80 रुपीज़ लगेंगे, जो आपको मोतीलाल नेहरू कॉलेज उतार देंगे। तो इसी साइड में आप देख सकते हैं, हम लोग अपोजिट साइड में थे। तो राइट हैंड साइड पर आपको वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, साउथ कैंपस कॉलेज, रामलाल कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो हम एंट्री कर चुके हैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज में। तो ये इसका एंट्री गेट है। तो यहाँ पर जो मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, उसमें दो तरह के कॉलेज लगते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो जो इवनिंग कॉलेज के लिए है, यहाँ से ही एंट्री होती है। यहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिन ब्लॉक में जा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए आपको बैक एंड साइड से एंट्री करनी होगी। अगर हम फ्रंट से देखें तो ये जो कॉलेज हमें इतना बड़ा देखने को एरिया में नहीं मिलता है, काफ़ी छोटा कॉलेज है। बट इसको अगर आप जब आप एंट्री करने के बाद अंदर की साइड जाते हैं, तो आपका यहाँ का जो पार्क है, जो एक्टिविटी एरिया है, वो काफ़ी बड़ा है। ये जो कैंटीन है इसकी, ये मुझे अभी तक जितनी भी कॉलेजेस मैंने विजिट करे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मुझे सबसे बड़ी कैंटीन लगी है मोतीलाल नेहरू कॉलेज की। और जिसका गार्डन है, इसमें मुझे एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी एरिया भी देखने को मिला है। तो ये है मेनली इसका एडमिन एरिया। तो यहाँ से हम लोगों को लेकिन एंट्री करनी है स्टूडेंट्स को इस वाले साइड से, जो स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड साइड पे स्टाफ रूम है टीचर्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई गई है वॉल पे। तो यहाँ पर मेनली ये स्टाफ के लिए रूम्स हैं, वॉशरूम। और यहाँ से आपको राइट हैंड साइड पर ये सारे क्लासरूम मिल जाते हैं। एंड ये आपका सामने आपको एडमिन ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफिस है इवनिंग कॉलेज का। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ की ग्रीनरी कितनी सुंदर लग रही है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। ये आपको नोटिस बोर्ड है इवनिंग कॉलेज का, ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का नोटिस बोर्ड है। तो हम लोगों ने इवनिंग कॉलेज कवर कर लिया, मॉर्निंग में हम अंदर नहीं जा पाए हैं, बट यहाँ पे क्लासरूम्स बने हुए हैं। मतलब मेनली यहाँ पे जो कॉलेज का व्यू आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं जिन्हें ज्वाइन किया गया है स्टेयर्स से। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेयर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री करने के बाद आपको इस वाले रूट से आप डायरेक्ट कैंटीन एंड जो ग्राउंड एरिया है वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर इनका ये एक एक्टिविटी एरिया था, मॉर्निंग कॉलेज का था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा डेकोरेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ये मॉर्निंग कॉलेज के अंदर का एरिया है, ये देखिए यहाँ पर डेकोरेशन भी हो रखी थी उस टाइम पर, शायद कुछ प्रोग्राम था। तो यहाँ से आप अगर एंट्री करते हैं तो आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लाइब्रेरी देखने को मिलेगी मोतीलाल नेहरू कॉलेज की, जो हम अंदर से एंट्री शूट नहीं कर पाए।
बट ये आपको बाहर से व्यू कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा ग्रीनरी और अपना चिल आउट करने का एरिया मिलेगा, जहाँ पर आप अपना बैठ सकते हो, फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय कर सकते हो। ये है लाइब्रेरी मोतीलाल नेहरू कॉलेज के, ये देख सकते हैं आपका बाहर से व्यू इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। देन आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये मेनली आ जाता है यहाँ का ग्राउंड, एक्टिविटी एरिया, गेम एरिया, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे। ये बहुत बड़ा था मोतीलाल नेहरू कॉलेज का जो मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखा। साउथ कैंपस में मैंने इतने विजिट नहीं करे हैं कॉलेज के, इससे पहले मैंने रामलाल कॉलेज विज़िट किया था, ये मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस है मोतीलाल नेहरू कॉलेज का। तो मैंने सबसे सुना है कि मोतीलाल जो साउथ कैंपस एंड जो जेएनयू का जो एरिया है वो बहुत ग्रीनरी एरिया है, यहाँ पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। तो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करा था तो मैं देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, ये देखिए पूरा एरिया कितना सुंदर बनाया हुआ है। ये पूरा ग्राउंड था इसका मोतीलाल नेहरू कॉलेज का, सामने आपको छोटे छोटे माउंटेन्स एंड ग्रीनरी देखने को मिल जाती है। जो सामने है यहाँ पर आपको साउथ कैंपस देखने को मिलेगा, इसकी बाउंड्री यहाँ से लगी हुई है। तो यहाँ पर फ्लैग था इंडिया का बहुत बड़ा, इसके साथ एक विवेकानंद हॉल था जो वाइट कलर का आपको देखने को मिलता है। इसके साइड से ही आप देख सकते हैं सामने एक्टिविटी एरिया कितना अच्छा, फर्स्ट मैंने देखा डीयू के कॉलेजेस में कि इस तरह के एक्टिविटी एरिया एडवेंचर कैंप टाइप का कुछ बना हुआ है। जो कि जो कैंटीन होते हुए आपको बैक साइड दिखाते हैं कॉलेज का, कैसा व्यू आपको देखने को मिलता है। पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए बहुत अच्छा एरिया है जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे कैंटीन की तरफ, और फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड भी बहुत बड़ा है इस कॉलेज का, इसके साथ ही कैंटीन भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। आप देख सकते हैं कैंटीन कितनी बड़ी है, ये है कैंटीन का वे, आपको राइट हैंड साइड मुड़ेंगे तो आपको कैंटीन पड़ेगा। तो यहाँ से आपको मुड़ना है लेफ्ट साइड से, तो आपको फ्रंट एक गेट देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोगों का कैंटीन ये देखिए लेफ्ट साइड पर एक गेट है, बट क्लोज था वो सबके लिए। तो यहाँ से आपको राइट हैंड साइड पर मुड़ना है, तो ये है कैंटीन का वे। ये एक्टिविटी एरिया देख सकते हैं, बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं तो एक्टिविटी एरिया को, तो बहुत अच्छा था ये फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लगा कॉलेज के ग्राउंड के अंदर, यहाँ पे स्टूडेंट एंजॉय कर सकते हैं अपना फ्री टाइम में। आप सभी को पता है हायर एजुकेशन कितना बर्डन होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो इससे उन्हें निकालने के लिए इस टाइप की एक्टिविटी एरिया बहुत अच्छा है जो कॉलेज में बनाए गए हैं। यह है कैंटीन एरिया, यह हम आपको एक बार बाहर से व्यू कराते हैं, देन हम आपको अंदर से विज़िट कराएंगे। ये देखें यहाँ पे एरिया कितना ज़्यादा है, आप बैठने के लिए बहुत सारी सीट्स यहाँ पे बनाई गई हैं, और कुछ यहाँ पर मुझे कुछ इनोवेशन भी देखने को मिले, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रम्स से किस तरह से सीट्स बनाई गई हैं। ये देखिए ग्रीन जो आपको दिख रहा होगा ये ड्रम्स के शेप में है पूरा, जहाँ पर आपको बैठने का एरिया बनाया गया है। अभी थोड़ा दोपहर था तो उस टाइम पे विंटर समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप थी तो उस टाइम तो आप नहीं बैठ सकते, लेकिन विंटर के टाइम पे आप चिल आउट कर सकते हैं यहाँ बाहर बैठ के। तो यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं ऊपर वाली साइड में तो ये आपको पूरा एक माउंटेन वाले एरिया का व्यू करेगा, आपको ये लग ही नहीं रहा कि हम दिल्ली के अंदर हैं। ये देखिए ये इनोवेशन मुझे बहुत अच्छी लगी जो ड्रम से बनाया गया था बैठने का एरिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा एरिया है फ़ोटोशूट के लिए, चिल आउट करने के लिए फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ से आप व्यू देखिए कॉलेज के ग्राउंड का और कैंटीन का, बहुत सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ से। मतलब आप अगर एंट्री करते हैं कॉलेज के गेट से तो आपको बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होगा कि अंदर जाके इसका व्यू इतना सुंदर होगा। ये देखिए बहुत प्यारा व्यू था यहाँ से, यहाँ पे अपने फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपने फ्री टाइम को। तो अगर आप भी इस टाइप से इंजॉय करना चाहते हो तो प्लीज़ मस्ट विज़िट करिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस में, आप अपने कॉलेज की लाइफ को इंजॉय करिए, और जो पास आउट भी हो चुके हैं वो भी इसका मज़ा ले सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कैंटीन, ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे वेन्यू मेन्यू आपको देखने का मिलेगा कि इसका प्राइस रेट कितना है। मेरे ख्याल से तो मुझे ये बहुत अफोर्डेबल रेट लगा यहाँ के कैंटीन का जो भी प्राइसेस है। तो ये व्यू है अंदर से, तो यहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ ये ऑर्डर कर सकते हैं आपकी आपको क्या लेना है। तो मैं यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया जूस और एक मसाला डोसा, यहाँ पर ये है आपके मसाला डोसा, ये 40 रुपीज़ का पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा था टेस्ट भी। तो ये हम दोबारा पहुँच चुके हैं यहाँ एक्टिविटी एरिया में, तो ये देखिए एक्टिविटी एरिया, तो बहुत अच्छा था ये, मतलब कि कॉलेज की लाइफ से थोड़ा सा फ्री होने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने के लिए बहुत अच्छा था ये। तो ये मेरे ख्याल से माउंटेन ड्यू द्वारा स्पॉन्सर था ये पूरा का पूरा एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोप एंड सब चीज़ आपको देखने को मिलती हैं, बहुत अच्छा था फ़ोटो क्लिक कराने के लिए भी बहुत अच्छा था ये एरिया। तो आप इन्जॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए।
तो यहाँ से आपको देखने का मिलेगा बैक एंड साइड से, आपको यहाँ पे ही इग्नू का सेंटर है, ये इग्नू की लाइब्रेरी है। एंड इसके साथ ही मोतीलाल नेहरू कॉलेज में आपको NCVAP का सेंटर भी मिलेगा, जो सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं इग्नू की भी। ये लाइब्रेरी है इग्नू और NCVAP दोनों की। तो अंदर से आपको कुछ बुक्स देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद ये है बैक हैंड साइड से हम व्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट के बैक साइड देखने को मिलेगा। तो आई होप गाइस, हमें निकलते निकलते शाम हो गई, तो आपको मज़ा आया होगा हमारे इस वीडियो में। तो लास्ट आपने देखा ये आर्यभट्ट कॉलेज था, इसके साथ रामलाल कॉलेज, साउथ कैंपस, वेंकटेश्वर कॉलेज, ये पूरे सारे कॉलेज आपको एक ही लेन में देखने को मिलेंगे। ये है नाइट व्यू कॉलेज से साउथ कैंपस का। तो आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज हमारा वेट करिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।